जब भी सब्जी बनाने का मन ना हो या सब्जी घर पर ना हो तो जल्दी से बनाइए फटाफट से बनने वाली प्याज की सब्जी। एकदम शाही सब्जी का टेस्ट आएगा और कई सब्जियां इसके सामने, शाही पनीर भी इसके सामने फीका लगेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं प्याज की सब्जी बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो प्याज, तो छोटे वाले साइज़ के प्याज लेने हैं। जो सिर का प्याज हम बनाते हैं उसी के लिए यूज़ होते हैं, तो वो वाले साइज़ के हमें प्याज लेने हैं। आप बड़े भी ले सकते हैं, उसके चार टुकड़े कर लें अगर बड़ा प्याज है तो। तो सबसे पहले इसे छील कर धो लेंगे और इसे चार कट लगा लेंगे। इसे भरना नहीं है, तो जैसे हम भरते हैं सब्ज़ी को वैसे ही हमें इसे कट लगा लेना है। इससे जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो अंदर तक जाएगा प्याज के। तो इसे सारे हमने कट लगा लिए हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा छोटा सा आधा इंच का, और 3 टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने देसी लिए हैं, आप अगर हाइब्रिड टमाटर यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो एक मिक्सी के जार के अंदर हम रफली चॉप करके सारी चीज़ों को डाल देंगे, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और टमाटर, तीनों को हम बिल्कुल अच्छे से बारीक प्यूरी जैसा बना लेंगे। टमाटर को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। और अब हमने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई को गर्म होने के लिए, तो इसमें डाल देते हैं हम ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसमें, देसी घी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल डाल देंगे और थोड़ा सा तेल गर्म कर लेंगे। तो जब तक धुआं नहीं निकल जाता तो सरसों का तेल का थोड़ा सा कड़वापन कम हो जाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं सरसों के बीज, छोटे वाले जो दाने वाली सरसों होती हैं वो डाल देंगे, और आधा टीस्पून हम जीरा डाल देंगे। तो दोनों को यहाँ पर अच्छे से हम क्रैकल होने तक भून लेते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून के आसपास हींग, बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, बहुत ज़्यादा हींग नहीं डालनी क्योंकि ज़्यादा डालने से भी थोड़ा कड़वा टेस्ट आने लग जाता है हींग का। तो बस थोड़ी सी हींग डालकर इसे 1 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे, और फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि अब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, जो रेगुलर मिर्च हम यूज़ करते हैं, और ज़रा सी बिल्कुल मैंने हल्दी डाल दी है कलर के लिए, बिल्कुल 1 चुटकी के आसपास हल्दी डाली है, और 1/2 टीस्पून यहाँ पर नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, या जितनी क्वांटिटी में आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। मसाले बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्लेम को लो रखेंगे और तभी हम मसालों को भूनेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच बेसन। बेसन इस स्टेज पे डालेंगे तो बेसन अच्छे से हमारा भून जाएगा, कच्चा टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो टमाटर डालने से पहले आप 1 मिनट के लिए बेसन को मसालों के साथ भून लें, इससे बहुत ही बढ़िया हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो आप 1 चम्मच काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, या आप खाली बेसन डालकर भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ें भी आप डालेंगे तो ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक बनती है, या रोस्टेड पीनट उसको पीस कर भी डाल सकते हैं। इससे जो है वो ग्रेवी पानी नहीं छोड़ती और बिल्कुल थिक ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो जो टमाटर हमने पीस कर रखे थे उसे हम मिक्स कर देते हैं अपने ऑयल और मसालों के अंदर। तो अच्छे से इसे बिल्कुल बढ़िया से हमें भूनना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से भूनेंगे तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि इसमें हमने बेसन भी डाला है तो साथ साथ बेसन भी अच्छे से भूनता रहेगा। और बिल्कुल ऑयल छोड़ने तक हमें टमाटर को अच्छे से पका लेना है, क्योंकि हमने इसमें कोई प्याज या लहसुन नहीं डाला जिससे हमारी ग्रेवी थिक होगी, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया था। और ऊपर से हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं जिससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा सब्ज़ी का। तो अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल फ्लेम हाई रखेंगे इस टाइम पे ताकि जल्दी से टमाटर का पानी सूख जाए और ऑयल सेपरेट होने लग जाए।
ऑयल देखिए सेपरेट होना शुरू हो गया है और ग्रेवी भी हमारी थोड़ी थिक हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पे अब इसे और नहीं हम पकाएंगे, तो बस अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बड़े चम्मच मलाई, जो दूध की मलाई होती है, बिल्कुल फ्रेश मलाई डालनी है। अगर आप खट्टी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच आप दही को फेंट कर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो टमाटर यूज़ किए हैं वो देसी टमाटर हैं, वो थोड़े खट्टे ही होते हैं, तो मैंने यहाँ पर मलाई का इस्तेमाल किया है। या आप दही मलाई या फ्रेश क्रीम जो मिलती है मार्केट में, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसे पका लेंगे मलाई के साथ, और बिल्कुल साथ साथ में चलाते रहेंगे, क्योंकि जो मलाई है वो बहुत ही जल्दी फट जाती है। तो या तो आप पहले नमक ऐड ना करें उसके बाद मलाई डालें, और मलाई डालने के बाद आप नमक इसमें डालें, या फिर आप साथ साथ में इसे बिल्कुल लो फ्लेम करके चलाते रहें। तो अच्छे से पक चुकी है मलाई भी हमारी ग्रेवी के साथ, तो अब हम इसमें प्याज भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी मलाई फटी नहीं है और ना ही इसने ऑयल छोड़ा है, क्योंकि मलाई जो है उसमें से घी निकलने लग जाता है। बिल्कुल सही से हमारी मलाई कुक हो चुकी है, और अब हम इसमें प्याज जो हमने छील कर काट कर रखे हुए थे वो इसमें डाल देते हैं, और अच्छे से हम इसे हिला लेंगे, और एकदम बढ़िया सी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है बिल्कुल कम सामान में। जो बेसिक चीज़ें हम घर पर हर टाइम रखते ही हैं, प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, ये चीज़ें हर टाइम हमारे घर पर अवेलेबल ही रहती हैं। तो ना भी अगर हमारे घर में कोई सब्ज़ी पड़ी हो तो भी हम इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं, और टेस्ट इसका इतना बढ़िया लगता है कि आप एक की जगह 4 रोटी खा जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक है और इसे कुक होने में टाइम लगेगा। अगर हम बिल्कुल थिक ग्रेवी में डालकर इसे कुक करते हैं तो बस थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/2 गिलास के आसपास पानी डाल दिया है, ये भी ग्रेवी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तो प्याज को कुक होने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। आप पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा थिक सब्ज़ी पसंद है तो आप पानी थोड़ा सा कम डालें। तो अभी इसे हम ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 10 मिनट में ही प्याज हमारे अच्छे से कुक हो जाएंगे और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए 10 मिनट बाद मैंने गैस ढक्कन हटाकर देखा है, तो बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी भी थिक हो चुकी है और प्याज भी बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं। तो बस इतना ही हमें प्याज को पकाना है, बहुत ज़्यादा अगर हम पका देंगे तो वो प्याज ग्रेवी के अंदर ही घुलने लग जाएंगे। तो ऊपर से हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, क्योंकि हरे धनिया के बिना तो इंडियन सब्ज़ी कम्प्लीट ही नहीं होती। तो इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो जाती है, और ग्रेवी भी इसकी काफ़ी अच्छी और रिच ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसे आप रोटी, पराठे, नान या किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, पूड़ी के साथ भी खाएंगे, तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी एक इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।